नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूं और धर्मशाला नारायणा हॉस्पिटल दिल्ली में वरिष्ठ न्यूरोसर्जन या सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन की तरह काम करता हूं। जनता के मन में न्यूरोसर्जरी के विषय में बहुत कौतूहल है और कुछ अज्ञान भी है। होता क्या है न्यूरोसर्जरी में, ये सवाल अभी भी जो है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता साधारण जनमानस में। न्यूरोसर्जरी को अगर थोड़ा सा बड़ा करके बताया जाए तो ब्रेन सर्जरी और स्पाइन सर्जरी को न्यूरोसर्जरी कहा जाता है। जैसा कि स्पष्ट है, ब्रेन सर्जरी का मतलब होता है सर या दिमाग की बीमारियों का इलाज। ज़्यादातर हम लोग उसको ऑपरेशन के द्वारा करते हैं, कभी कभी बिना ऑपरेशन के भी। और स्पाइन सर्जरी का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड के अंदर जो नसें होती हैं और उसके आसपास की हड्डियों का इलाज करना। अब बीमारियां अगर मूल रूप से देखा जाए तो दो चार तरह की होती हैं, पैदाइशी, इन्फेक्शन से होने वाली, खान पान के दोष या वातावरण के दोष से होने वाली, समय के साथ जो हमारे शरीर में दोष आते हैं वे, और कुछ बीमारियां जैसे कि ट्यूमर इत्यादि। तो इन सब का इलाज न्यूरोसर्जरी में सर के लिए और स्पाइन के लिए किया जाता है। अगर हम लोग न्यूरोसर्जरी या ब्रेन सर्जरी की बात करें तो पैदाइशी रोगों के अंदर तरह तरह की मैलफॉर्मेशंस, दिमाग में इन्फेक्शन की वजह से या बिना किसी कारण के पानी का कंपार्टमेंट बड़ा हो जाना जैसे कि हाइड्रोकेफलस, या जो है ट्यूमर्स होना जो बच्चों में होते हैं, या कुछ एक चोट जो लग जाती है। सबसे साधारण जो जनता को पता है न्यूरोसर्जरी के विषय में वो चोट लगने का न्यूरोसर्जरी का इलाज करना न्यूरोसर्जरी में होता है। इसी तरह से रीढ़ की हड्डी के अंदर भी यही मूल बीमारियाँ होती हैं, जैसे समय के साथ आने वाले विकार जैसे कि रीढ़ की हड्डी में डिस्क का निकल जाना, या जो साधारण भाषा में अब स्पॉन्डाइलोसिस कहा जाता है जिसको, या ट्यूमर होना या नसों के रोग होना जिसमें कि नसों का विकार होता है और उससे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन सभी चीज़ों का उपचार ऑपरेशन से या कभी कभी बिना ऑपरेशन से न्यूरोसर्जरी में किया जाता है। धन्यवाद।